सर्वेभ्य नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। पिछले वीडियो में हमने अपना सभी शब्द रूपों के बहुवचन और द्विवचन को समझा था। इसी के साथ हमने अपने किम सर्वनाम के बहुवचन और द्विवचन को भी किया था। मैंने जैसे आपको समझाया था कि हम अपने किम सर्वनाम से और जो हमारे प्रश्नवाचक कुछ अव्यय पद होते हैं उनके माध्यम से ही प्रश्नों का निर्माण करते हैं। आपका जो प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न होता है यह है आपकी परीक्षा में जरूर ही आता है, तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको बहुत ज्ञान देना चाहती हूँ लेकिन समय का बहुत अभाव होता है। मुझे उम्मीद होती है कि मैं आपको कितने अच्छे से समझा पाऊँ कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए, लेकिन समय के अभाव के कारण यह बीच में ही छूट जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास भी नहीं होता कि मैं आपकी वीडियो एक घंटे की कर सकूं। तो आप अपनी वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में ही इस विषय को भी समझेंगे और जो मैं आपको आगे व्याकरण समझाऊंगी उसको भी आप समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम अपने इससे आगे वाला भाग करेंगे। वैसे तो मैं आपको यह सभी समझा चुकी हूँ कि आपके जिस वचन, जिस विभक्ति और जिस लिंग का आपका शब्द होगा उसी के अनुसार आपको यानी कि किम सर्वनाम के शब्दों का प्रयोग करना है, लेकिन आप इनमें कुछ लिखित में भी अभ्यास कर लीजिए। उसके लिए हम अपने सभी कार्य को रब करेंगे और इसके साथ ही कुछ हम अपने शब्दों पर यानी कि वाक्यों पर अभ्यास करेंगे। तो हम अपना ये कार्य रब करने के बाद वह कार्य कर लेते हैं। जैसा आज की हमारी वीडियो का विषय है, क्योंकि हम अपने जो हमारे रेखांकित पद है उनसे प्रश्न निर्माण करना सीख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपकी पहले से ही तालिका नहीं बनाई हुई है, केवल आपको किम सर्वनाम के शब्द रूप याद कराने के लिए मैंने आपकी केवल विभक्तियां लिखी हुई है। ऊपर आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग लिखा हुआ है। आप मेरे साथ ही इनको करेंगे क्योंकि बार बार मैं आपकी तालिका पहले से ही बनाकर आपको दिखा देती हूँ, उससे आपका अभ्यास उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। हम अपने सर्वनाम में यानी कि जो हमारा किम सर्वनाम का शब्द रूप है उसको करेंगे। यहाँ पर आपकी विभक्तियां लिखी हुई हैं। पहले हम अपना एक वचन करेंगे, वह आपका है पुल्लिंग में कहा। हम एक वचन ही पहले कर रहे हैं, कम केन कस्मै। चतुर्थी विभक्ति पर आपको विशेष ध्यान देना है क्योंकि जो आपका शब्द रूप होते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति में आ जाता है, लेकिन आपका किम सर्वनाम में कस्मै पद आया हुआ है। आपको इन छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है, उसी से आप अपने शब्द रूप को बहुत आसानी से कर पाएंगे। पंचमी में आपका हो जाएगा कस्मात। वैसे तो आपका शब्द रूप में भी आता है लेकिन इसमें आधा सा बीच में आया हुआ है। षष्ठी विभक्ति में कस्य और सप्तमी विभक्ति में आपका कस्मिन। किम सर्वनाम में आपको जो विशेष रूप से ध्यान देना है अपनी चतुर्थी विभक्ति पर देना है और अपनी सप्तमी विभक्ति पर। पंचमी को भी आप पहचान सकते हैं अपने आद से ही, लेकिन इसमें आधा सा आया हुआ है तो आप इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। शेष जो आपकी ट्रिक मैं आपको शब्द रूप में समझाती हूँ उसी प्रकार की है, जैसे विसर्ग, हलंतेमा, एन। चतुर्थी को मैंने आपको विशेष रूप से बताया है कि इसमें आपको ध्यान देना है आर, आधा सा और यह, और ये आपका एक ही मात्रा होती है सप्तमी विभक्ति में, जैसे रामे, लेकिन इसमें आपका कस्मिन आया है। आप एक वचन को करने के बाद यहाँ पर हम द्विवचन नहीं करेंगे क्योंकि द्विवचन आपके बहुत ही आसान होते हैं और वह आपके सभी लिंगों में एक समान ही होते हैं। द्विवचन में आपको यदि करना भी है तो आप केवल अपनी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ही कर लीजिए। उसके बाद आपका आभ्याम 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 यानी कि आप का के साथ आभ्याम जोड़ेंगे तो आपका काभ्याम। चलो हम इसको भी लिख लेते हैं। द्विवचन में आपका कौ बनेगा। तृतीय में आपका काभ्याम। चतुर्थी में काभ्याम। हो सकता है आपको कुछ छोटा छोटा लिखा हुआ दिखाई दे तो आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिए कि मैं आपको क्या कह रही हूं। पंचमी में भी आपका काभ्याम होगा।
षष्ठी और सप्तमी आपकी एक समान होती है, इसमें आपका मात्रा का प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर कयो और सप्तमी में भी आपका कयो ही होगा। जो आपके सर्वनाम वाले शब्द रूप होते हैं उसमें संबोधन नहीं होता है, केवल आपकी प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक ही पद होते हैं। बहुवचन कर लीजिए, बहुवचन में आपका हो जाएगा के, कान, कई, ये आपका होगा केभ्य। चतुर्थी और पंचमी आपकी बहुवचन में एक समान होती है, षष्ठी में आपका केशाम, और सप्तमी में हो जाएगा आपका केशु। बहुवचन में भी आपको कुछ ही बातों का ध्यान देना है, जैसे आपका प्रथमा विभक्ति है और आपकी षष्ठी विभक्ति है, शेष जो आपके पद है वह आपके शब्द रूप वाली ट्रिक से ही फॉलो हो रहे हैं। जैसे आन आता आपका कान हो जाएगा, आई आता है कई हो जाएगा, एभ्य होता है तो केभ्य हो जाएगा, यहाँ पर केभ्य और केसु, ये आपका सप्तमी विभक्ति में एशु आता है शॉर्ट ट्रिक में, जो आपका रामेशु बालकेशु इस प्रकार से शब्द रूप बनाता है उसी प्रकार आपका केशु पद हो जाएगा। यहाँ पर जो हम अपने किम सर्वनाम के पुल्लिंग के शब्द रूप कर रहे हैं वह आपको उसी ट्रिक से बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, केवल इसमें आपको कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना है, जैसे एकवचन में चतुर्थी पंचमी और सप्तमी पर, और बहुवचन में आपका प्रथमा और षष्ठी पर, शेष आपकी वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है। इसको करने के बाद स्पेलिंग में कर लीजिए, यहाँ पर आप पहले एकवचन करेंगे जो है आपका का, काम, कया, कश्यई, इसको आप अच्छे से कर लीजिए कश्यई। पंचमी में कश्याः, पंचमी और षष्ठी आपका स्त्रीलिंग में एक समान ही होती है कश्याः, सप्तमी में आपका कश्याम। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी चतुर्थी के एकवचन में कस्मे आया है, स्त्रीलिंग में कश्य ही आया है। आप इन छोटे छोटे बातों पर भी यदि ध्यान देंगे तो आप जैसे विभक्तियों के प्रश्न उत्तर करते हैं कि आपको विभक्तियां पहचाननी होती है तो आप इनसे अपनी विभक्तियां बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। द्विवचन में आपके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपकी तृतीय से सप्तमी तक सभी में एक समान होगी, तो यहाँ पर आप केवल के प्रथमा और द्वितीय ही लिख लीजिए, बाकी आपका काभ्याम काभ्याम काभ्याम, कयो और कयो, यही आपके शब्द रूप यहाँ पर बनने हैं। बहुवचन इसको हम ऐसे ही कर देते हैं, इसको आप यहीं से देख लीजिए, बहुवचन का आपका हो जाएगा कहा कहा। आपकी प्रथमा द्वितीय विभक्ति एक समान होती है बहुवचन में, तृतीय में आपका हो जाएगा का भी काव्य, चतुर्थी और पंचमी फिर आपकी एक समान होती है काव्य कासाम और कासु। यह है आपके किम सर्वनाम के स्त्रीलिंग के शब्द रूप है। नपुंसक लिंग को कर लीजिए, नपुंसक लिंग में आपकी केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति ही मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि तृतीय से सप्तमी तक आपकी सभी पुल्लिंग के समान होगी, तो वहां पर आपको दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी प्रथमा और द्वितीय विभक्ति करेंगे जो है आपकी किम, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति आपकी नपुंसक लिंग में एक समान ही होती है किम किम। द्विवचन में आपका के और बहुवचन में आपका होगा कानी कानी। उम्मीद है आप अपने किम सर्वनाम के शब्द रूप बहुत आसानी से सीख भी चुके होंगे और आपको ये याद भी हो गए होंगे।
यदि याद नहीं हुए हैं तो आप अपनी वीडियो को रोककर एक या दो बार इनको दोहराएंगे तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। हम इनका अभ्यास दो या तीन दिन से यानी अपनी दो तीन वीडियो में करते हुए आ ही रहे हैं, तो ये आपको बहुत आसानी से याद हो जाने चाहिए। यहाँ पर आपके अव्यय पद भी मैंने लिखे हुए हैं, इनका अर्थ देख लीजिए। किमर्थम यानी किस लिए, कुत्र ये आपका कहाँ के लिए प्रयोग होता है, कति कितने, कदा कब, कुतः कहाँ से। आप किम को तो जान ही चुके होंगे, लेकिन यहां पर हम उसका भी अर्थ लिख देते हैं। किम का अर्थ होता है कौन, क्या, ये आपके दो अर्थ किम के होते हैं। अब यहां पर जो मैंने आपके वाक्य लिखे हुए हैं उसमें आपका प्रश्न बनता है कि स्थूल पदानाम, कि स्थूल पदों को, यहाँ पर स्थूल पद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैंने इनको रेखांकित किया हुआ है, लेकिन आपकी बुक में आपको स्थूल पद के रूप में मिलेंगे। और जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसमें या तो रेखांकित पद होंगे या फिर वो कुछ मोटे रूप में, स्थूल का अर्थ होता है मोटा, यानी मोटे सब पदों को आपको अपना परिवर्तन करके अपने किम सर्वनाम को प्रयोग करना है या अव्यय पदों को प्रयोग करना है, शेष पदों को आप उसी प्रकार लिखेंगे। जैसे रामः वनं गच्छति, इसका अर्थ है रामः राम, वनम वन को, गच्छति जाता है, राम वन को जाता है। यहाँ पर राम आपका रेखांकित पद है, तो यह जो आपका पद है आपको अपने रेखांकित पद पे केवल इसी बात का ध्यान देना है कि जो आपका रेखांकित पद है वह शब्द रूप में क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। इतना ध्यान देने के बाद वह आपका किस विभक्ति का और किस वचन का पद है यह भी आपको ध्यान रखना है। जैसे रामः, रामः आप जानते ही हैं कि यह आपका अकारांत पुल्लिंग का पद है, प्रथम विभक्ति एक वचन का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग के प्रथम विभक्ति एक वचन वाले पद को लेंगे जो आपका है कहा। रामः के स्थान पर आप कहा लिख देंगे, शेष जो आपके पद है उसको आप उसी प्रकार लिख देंगे। जैसे कहा वनम गच्छति, यानी कहा का अर्थ होता है आप यहां पर देखेंगे कौन या क्या, यहां पर व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है तो कौन कहेंगे कि कौन वन को जाता है। यदि यहां पर आपका वनम, वनम आपका रेखांकित होता, हम इसको यदि रेखांकित कर देते हैं तो इसके लिए आप वाक्य बनाएंगे, यहाँ पर फिर आपका रामः रेखांकित नहीं माना जाएगा क्योंकि आपके वाक्य में एक पद ही रेखांकित हो सकता है। तो ये जो आपका पद है यह है इसके लिए है, और इसके लिए हम अपनी संस्कृत कहाँ पर बनाए, यहाँ पर बना देते हैं। दूसरा वाक्य हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारे शेष पद है हम उनको उसी रूप में लिखेंगे, केवल हमें अपने रेखांकित पद को ही परिवर्तन करना होता है। यहाँ पर हमारा वनम रेखांकित पद है तो ये आपका स्थान को संबोधित कर रहा है क्योंकि वन, वन क्या है, एक स्थान है, तो हम स्थान में अपना यहां से भी ले सकते हैं। और वनम जो हमारा, इनसे आप देखेंगे कि वन आपका नपुंसकलिंग वाला पद है तो किम भी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर जो सही होगा वह स्थान के लिए प्रयोग होगा, तो आप यहां पर देखेंगे कुत्र, क्योंकि जो हमारा कुत्र पद है वह स्थान के लिए प्रयोग होता है, कुत्र गच्छति। इस प्रकार आप इनमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाएंगे क्योंकि अब जो ये आपके वाक्य बने हैं यह कोई ना कोई प्रश्न कर रहे हैं, और जब हमारा वाक्य प्रश्नवाचक होता है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगता है। इसका अर्थ हो जाएगा राम कहाँ जाता है, कुत्र का अर्थ है आपका कहाँ। इसी प्रकार आपके एक वाक्य से मैंने दो वाक्य आपको समझा दिए हैं। समझाने के लिए बहुत कुछ होता है लेकिन समय का अभाव होता है, और कितनी बार मुझे लगता है कि जो मैं समझा रही हूँ पता नहीं मैं आपको समझा पा रही हूँ या नहीं, तो वो शंका भी बहुत मायने रखती है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको बहुत आसान शब्दों से
और धीरे धीरे ही समझाओ। कितनी बार आपका कमेंट्स आते हैं कि आप धीरे बोलते हैं या आप दोबारा रिपीट करते हैं, लेकिन जो मैं ऐसा करती हूँ वो केवल आपको समझाने के लिए ही होता है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर दूसरा वाक्य है, छात्राः पाठं पठन्ति। पाठम जो आपका पाठम है वह आपका रेखांकित पद है। जो आपका पाठ होता है यह आपका नपुंसक लिंग में जाता है और यह आपका द्वितीय विभक्ति का है, तो नपुंसक लिंग से हम द्वितीय विभक्ति एकवचन का ही पद लेंगे क्योंकि आपका एकवचन का पद है। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे। यहाँ पर लिखने में थोड़ी कठिनाई हो रही है तो आप धैर्य से देखेंगे और ध्यान से, कितनी बार आपका मिट भी रहा है। जो आपका रेखांकित पद है उसको आप परिवर्तन करेंगे, ये उसका हो जाएगा किम पठन्ति। प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा आपका छात्राः पाठं पठन्ति, यानी सभी छात्र पाठ पढ़ रहे हैं। इसका जो प्रश्न निर्माण होगा, छात्राः किम पठन्ति, यानी सभी छात्र क्या पढ़ रहे हैं। अगला है, अहम् हस्तेन लिखामि। अहम् माने मैं, हस्तेन यानी हाथ के द्वारा, लिखामि लिखता हूँ या लिखती हूँ, क्योंकि जो आपका अहम् पद होता है वह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में एक समान ही होता है। तो यहाँ पर आपका रेखांकित पद हस्तेन है। हस्तेन में आप पहचानिए कि यह आपका कौन सी विभक्ति और कौन से वचन का पद है। आप इसको एन एन ट्रिक, जो आपकी इजी ट्रिक होती है, उनसे ही आप अपने शब्दों के सदरूप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। केवल आपको अपनी ट्रिक याद रखनी है, उन पर ही विशेष ध्यान देना है। एन एन आप देखेंगे आपका केन में भी आया हुआ है और आप अपने शब्दरूप की ट्रिक से भी जानते हैं कि आपका तृतीय विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप हस्तेन इसके स्थान पर केन प्रयोग करेंगे। आप इसको कह सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। यहाँ पर आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि आपकी जो ट्रिक है वही आपको बता देगी कि यह आपका पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग आपके तृतीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक एक समान होते हैं, तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। केवल आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ध्यान रखना है। एन जो आपका है वह पुल्लिंग में आया है, यदि स्त्रीलिंग का होता तो कया या अया आता, तो उसी के अनुसार आप देख लीजिए। अहम आप इसी प्रकार लिख देंगे क्योंकि जो हमें परिवर्तन करना होता है वह केवल अपने रेखांकित पदों में ही करना होता है। हस्तेन के स्थान पर आप केन प्रयोग करेंगे। इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा, अहम् केन लिखामि, यानी मैं किसके द्वारा लिखती हूं या लिखता हूं। आपका अगला वाक्य है, पुस्तकानि। पुस्तकानि यानी आनि। आप अपनी अंतिम जो ट्रिक है उसको ध्यान रखेंगे तो आपके सामने आपके शब्दरूप अलग से ही पहचान में आ जाएंगे। आनी देखिए आप, आपका कानी यानी नपुंसक लिंग में आया हुआ है। फलानी, पत्रानी, इस तरह से जो भी आपके आनी को संबोधित करते हैं वे आपके नपुंसक लिंग बहुवचन के पद होते हैं। तो यहाँ पर आप क्या प्रयोग करेंगे, पहले तो आप अपने शेष पदों को लिख लीजिए। ते ते माने वह सभी, पुस्तकानी यानी किताबों को, पठंती पढ़ते हैं। पुस्तकानी के स्थान पर आप कानी प्रयोग करेंगे क्योंकि जो आपका पुस्तकानी पद है वह आपका नपुंसक लिंग बहुवचन का पद है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति आपकी कोई मायने नहीं रखती क्योंकि दोनों ही एक समान होती है। इसमें हो जाएगा आपका कानी पठन्ति, यानी वह सभी किनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, सा बालिका धावती। सामान्य वह बालिका, बालिका या लड़की धावती दौड़ रही है, वह लड़की दौड़ रही है। सा जो आपका सा पद है वह आपका पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, यह आपको देखना है। उसी के अनुसार फिर आपको अपने किम सर्वनाम से प्रयोग करना है। सा जो आपका पद है वह आप आकारांत से भी समझ रहे होंगे कि इसमें आकारांत आया हुआ है तो यह स्त्रीलिंग का ही पद है, और इसके आगे आपका बालिका जो विशेष्य है वह भी स्त्रीलिंग का है, तो आप स्त्रीलिंग का प्रयोग करेंगे का, क्योंकि जो आपका सा पद है वह आपका स्त्रीलिंग प्रथम विभक्ति एकवचन का पद है, तो
तो सा के स्थान पर आप का प्रयोग करेंगे, शेष पदों को आप इसी प्रकार लिख लेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे इसमें भी, इस प्रकार आपका वाक्य हो जाएगा का बालिका धावती, कौन बालिका दौड़ रही है। कृष्णः गोपालाय ददाति, कृष्ण गोपाल के लिए या ग्वालों के लिए ददाति देता है या देते हैं, इसको आप किसी प्रकार भी कह सकते हैं। मेन है आपका जो रेखांकित पद है गोपालाय, आप आय को ध्यान करिए क्योंकि हमें अपनी टिक से ही पहचानना है कि इसमें कौन सी भक्ति है। आय को आप याद करेंगे तो यह आपका पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति एकवचन का पद है, तो आप अपने किम सर्वनाम से पुल्लिंग से चतुर्थी विभक्ति एकवचन वाला पद लेंगे कस्मई। आप चाहे तो पहले अपना कस्मई लिख सकते हैं क्योंकि जो आपके शेष पद होते हैं उनको तो आपको उसी रूप में लिखना है, उनमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, परिवर्तन केवल आपको अपने रेखांकित पद पर ही करना होता है। इसमें भी आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, वाक्य हो जाएगा कृष्णः कस्मै ददाति, कृष्ण किसके लिए देता है या देते हैं। वृक्षात् आपका अगला वाक्य है, वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो आप अपनी ट्रिक पहचानिए। आत् आत् आपका किसमें आता है बताइए, उम्मीद है आप इसको जान चुके होंगे कि आत् आपका यहां से भी आप देख सकते हैं कि पंचमी विभक्ति एकवचन में आता है और शब्द रूप तो आप अब तक याद कर ही चुके होंगे क्योंकि हम अपनी बहुत सारी वीडियो में आपको शब्द रूप करा चुके हैं और उम्मीद है वह सभी वीडियो आपने देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप अपनी पिछली वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि उनमें मैंने आपके शब्द रूप बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। इसमें आप प्रयोग करेंगे कस्मात् क्योंकि नियम आपका वही है कि जिस लिंग जिस वचन और जिस विभक्ति का आपका शब्द रूप यानी शब्द है उसी के स्थान पर आप उसी वचन उसी विभक्ति और उसी लिंग का पद प्रयोग करेंगे, लेकिन वह आपका पद कौन सा होना चाहिए, किम सर्वनाम का। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिख लेंगे जैसे वो लिखे हुए हैं, उनमें कोई भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। कस्मात् पत्राणि पतन्ति यानी किससे पत्ते गिरते हैं। अहम् विद्यालयात् आगच्छामि, मैं विद्यालय से आता हूं या आती हूं। यहां पर भी मैंने आपका आत् पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग किया है लेकिन केवल आपको समझाने के लिए, यहाँ पर हम कस्मात् का प्रयोग नहीं करेंगे, यह आपका स्थानवाचक पद है क्योंकि विद्यालय विद्यालय आपका कोई ना कोई स्थान, किसी स्थान पर ही विद्यालय होता है। स्थानवाचक में आपको अपने अव्यय पदों से प्रयोग करना है, यहाँ पर आने की क्रिया हो रही है यानी अलग होने का भाव आ रहा है कि मैं विद्यालय से आता हूँ। जब मैं विद्यालय से आ रहा हूँ या आ रही हूँ तो मैं विद्यालय से अलग हो रही हूँ और अलग होने के भाव में आपको जैसे मैंने आपको समझाया था कि कुतः कहाँ से, तो आप इसका प्रयोग कर लीजिए। शेष पदों को आप इसी प्रकार लिखेंगे, अहम् कुतः आगच्छामि, प्रश्नवाचक चिन्ह करेंगे कि मैं कहां से आता हूं या आती हूं। इस प्रकार आप विद्यालयात्, क्योंकि जब आपका स्थान का बोध कराने वाला पद होता है वहां पर आप कुत्र या कुतः, जब अलग होने का भाव होगा तो कुतः का प्रयोग करेंगे और जब सामान्य रूप से स्थान के बारे में पूछा जाएगा तो आप कुत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर बालकस्य मित्र मोहना अस्ति, बालक का मित्र मोहन है। बालकस्य यहाँ पर जो आपकी ट्रिक है आदर्शा और यह, इसको ध्यान कीजिए, यह आपका षष्ठी विभक्ति का है तो इसके स्थान पर आप किम सर्वनाम से षष्ठी विभक्ति एक वचन वाला पद लेंगे, यह आपका पुल्लिंग का होगा क्योंकि जो आपका बालक पद है यह पुल्लिंग वाला पद है। कस्य शेष पदों को आप उसी प्रकार लिखेंगे,
उनमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। केवल आपको अपने रेखांकित पद को परिवर्तित करना है और जो आपका पूर्ण विराम है उसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग करना है। कस्य मित्र मोहनास्ति, यानी किसका मित्र मोहन है। उम्मीद है यह सभी कार्य अब तक आपको समझ में आ रहा होगा। हम अपने आगे के वाक्य कर लेते हैं। छात्राः पठनार्थं गच्छन्ति, यानी सभी छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं। इसमें आप पूर्ण विराम लगा लीजिए। पठनार्थम आपका रेखांकित पद है, इसके स्थान पर आप किमर्थम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर अव्यय पद में आपका किस लिए का जो भाव देता है वह आपका किमर्थम होता है, इसके लिए आप प्रयोग करिए छात्राः ये आपका अपूर्वी ग्रह आ है, किमर्थम गच्छन्ति। कि सभी छात्राएं किस लिए जाते हैं। आपका अगला वाक्य है जलम घटे अस्ति, जल घड़े में है। जलम जो आपका पद है यह आपका नपुंसक लिंग है, इसको आप इस प्रकार ना लिखकर ऊपर इसको अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो हमारा हलंतीय मा होता है उसको हम आगे तभी प्रयोग करते हैं जब हमारा आगे कोई स्वर आया हो, लेकिन यहाँ पर व्यंजन आया है तो हम ऊपर इसको अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करेंगे। तो आपका जो घटे रेखांकित पद है वह आप देखिए कि इसमें ए की मात्रा आई हुई है, और ए की मात्रा आपकी जो होती है वह सप्तमी विभक्ति का संबोधन यानी इजिट्रिक होती है। आप इसको कह सकते हैं कि ए की मात्रा से हम अपने जो सद्रूप होते हैं उसमें सप्तमी विभक्ति को पहचान लेते हैं। ए की मात्रा आपकी अलग अलग सद्रूप में बीच में भी आती है, लेकिन आप अपने वाक्य की हिंदी भी देखिए कि जल घड़े में है, यानी में और पर, ये आपके जो कारक चिन्ह है यह सप्तमी विभक्ति के ही कारक चिन्ह है। तो इसके स्थान पर आप क्या प्रयोग करेंगे, किस में, किस में, क्योंकि घड़े में, घड़े में जब आप प्रश्न करेंगे तो आपका प्रश्न होगा किस में। शेष पदों को आप उसी प्रकार लिखिए, पहले ये आपका हो जाएगा जलम किस में, यहां पर आप देखिए सप्तमी विभक्ति में आपका हो जाएगा कस्मिन, प्रयोग कर सकते हैं, और घड़ा, क्योंकि घड़ा एक पात्र है और उसमें जल है, यानी कोई ना कोई स्थान निश्चित है जल के लिए, तो आप कुत्र भी प्रयोग कर सकते हैं कि जल कहां है। तो आप स्लैश करके दोनों ही पद लिख लीजिए, इनमें से आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो वह आपका सही ही होगा। इस प्रकार आपके एक ही रेखांकित पद से आप दो पद बना सकते हैं। जलम कस्मिन अस्ति, यानी जल किस में है। जलम कुत्र अस्ति, जल कहां है। आपका अंतिम वाक्य है नद्याम मीनाः तरन्ति, नद्याम जो आपका नद्याम पद है वह आपका नदी। यह मैं आपके शब्दरूप पहले ही करा चुकी हूं। नदी के शब्दरूप आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उसको आप समझ लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपके नदी के शब्द रूप होते हैं या इकारांत जिसको हम कहते हैं कि वह आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और आपके वाक्यों में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो वह आपका सप्तमी विभक्ति एकवचन का पद है और यह आपका स्त्रीलिंग का पद है। तो आप अपनी सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग के एकवचन से प्रयोग करिए कश्याम, क्योंकि नद्याम आपका आया है तो आप इसके स्थान पर कश्याम करेंगे। आप कश्याम भी कर सकते हैं और कश्याम के स्थान पर कुत्र भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी सप्तमी विभक्ति होती है वह आपके किसी न किसी स्थान को संबोधित करती है, यानी कि कहां, किस में, इस प्रकार का भाव आपका सप्तमी विभक्ति में होता ही है।
तो आप नद्यां भी कर सकते हैं और कुत्र भी कर सकते हैं। कुत्र शेष पदों को आप उसी प्रकार लिखेंगे, मीना तरंती, यानी कस्याम मीना तरंती, किसमें मछलियां तैर रही हैं, या कुत्र मीना तरंती, कहां मछलियां तैर रही हैं। इस प्रकार आप अपने प्रश्न निर्माण करना सीख चुके होंगे। समझाने के लिए तो आपके लिए ये वाक्य काफी हैं। आप चाहें तो स्वयं इन पर अभ्यास कर सकते हैं। आपके लिए मैंने 12 वाक्य लिखे हैं। आप अपने आप स्वयं के कुछ वाक्य बनाइए और अपने इन सभी शब्द रूप पर अभ्यास कीजिए। यह है आपके जो शब्द रूप हैं, यह आपको याद होने चाहिए, और जो आपके अव्यय पद हैं, यह भी आपको याद होने चाहिए। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ सभी कार्य समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। बात करने के लिए आप मैसेज के थ्रू कर सकते हैं, या मेरा जो चैनल पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप बात कर सकते हैं। संस्कृत के लिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहती हूँ। आपका जब मन करे, जो भी आपको परेशानी है, आप मुझसे बात करके, केवल आपका विषय संस्कृत ही होना चाहिए, उससे अलग आपको कोई विषय है तो आप उस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा, मैं कह सकती हूँ कि मेरा प्रिय विषय या मुख्य विषय जो है वो संस्कृत ही है। यदि आप संस्कृत में कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो आप उसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा जो आपके लिए सहयोग है, यह आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और आपके आने वाले परीक्षा के समय में यह आपकी और भी ज्यादा मदद करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वाली जो आपकी वीडियो है वह बहुत ही अच्छी वीडियो है। उसमें आपको मैं शब्दरूप, जो भी आपके आ ई उ या री, जितने भी आपके आकारांत इकारांत उकारांत शब्दरूप है, सभी आपको एक वीडियो में ही समझाऊंगी। पहले हम अपनी पुल्लिंग की वीडियो करेंगे, उसके बाद स्त्रीलिंग, और अंत में आपकी नपुंसक लिंग वाली वीडियो होगी। तो आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, और जो मैं आपकी व्याकरण की वीडियो कराती हूँ उनको आप बहुत ध्यान से देखिए। जितना आपका संस्कृत में व्याकरण अच्छा होगा, उतनी ही संस्कृत आपको आसान लगेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।